बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की विफलता को लेकर अब बीजेपी आंदोलन करेगी। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन किया जाएगा। चित्रकूट उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी बीजेपी, ये भी उन्होंने दावा किया है। साथ ही भी कहा है कि सांसद रेणुका सिंह, पूर्व सीएम रमन सिंह चित्रकूट में सभा लेंगे। हमारे संवाददाता नरेश मिश्र ने उनसे चर्चा की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लगातार चित्रकूट इलाके में उनका दौरा चल रहा है। कैसी तैयारी चल रही है चित्रकूट में, बताइए। और अब तो काफी कम दिन बाकी हैं, दंतेवाड़ा में बड़ी हार हुई है, तो रणनीति बदली है क्या आप लोग? नहीं, देखिए, चित्रकूट विधानसभा की दृष्टि से हमारी तैयारियाँ चल रही है और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण भी अभी पहुँचे हैं। हमारे चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे हमारे यहाँ के प्रभारी नारायण चंदेल जी तो ही हैं, श्री रतन शर्मा जी के साथ साथ हमारे सांसद रायपुर के सोनी जी, और दो दिन के लिए समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी आने वाली है। तो कुल मिला के हम इस सीट को अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। ये भी एक बात है विक्रम जी कि आप लोग एक साल के बाद करेंगे, तब तक जो है केवल संगठन की ही गतिविधियाँ रहेंगी और सरकार एक तरह से मौका मिले काम करने का, जब योजनाओं के जो नतीजे होंगे उसके आधार पर आंदोलन की भूमिका तय। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल हम बीच बीच में हमने भी आपको बिजली के मुद्दे को लेके भी जून महीने में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके साथ साथ विकास के जो काम हैं पूरे रुके पड़े हैं, पंचायत स्तर पर हो नहीं रहे हैं, बहुत सारे सड़कों की जर्जर स्थिति बनी हुई, प्रधानमंत्री सड़कों मरम्मत का काम होना चाहिए था, उसके राशि जर उसको सरकार वापस ले लिए। कुल मिला के कहीं पर विकास के कार्य के साथ साथ ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे शराबबंदी का हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इन सभी मामलों में सरकार फेलवर साबित हो रही, कहीं उनके ऊपर कोई क्रियान्वयन करते नहीं दिख रही है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ये थे विक्रम उसेंडी जी, जो कि बता रहे थे कि आने वाले समय में बड़े आंदोलन की भी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसके साथ साथ चित्रकूट में भी पूरी ताकत पार्टी झोंक रही है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, बस्तर।